कि तेरी चितवन में उलगी। क्या देखा कन्हैया ने और हमारी अखियां रे तेरी चितवन में उलगी। दीपावली और पूजा किनकी होती है कन्हैया मैया यशोदा से पूछ ले। मैया यशोदा ने जैसे ये बात सुनी, मैया यशोदा भगवान कन्हैया से बोली, सुरेंद्र भैया जी नगला चतुर्भुज हार के द्वारा हमारा सम्मान कर रहे हैं सुशील। ये माला यहाँ से अलग हटा दो भैया, बहुत गोवर्धन महाराज का रखे एक तरफ रखवा के रखना। कन्हैया पूछन लगे मैया, हंस के बोले कृष्ण जब गोवर्धन की पूजा होती है तो सभी देवी देवता खुश होते हैं। मैया यशोदा कहने लगी, कृष्ण आज तक तो हम सब लोग इंद्र की पूजा करते थे क्योंकि इंद्र मेघों का राजा है। इंद्र जब हम पूजा करते हैं तो खुश होता है और जब खुश होता है तो बारिश होती है। बारिश होती है तो पृथ्वी पर अन्न पैदा होता है। जब अन्न पैदा होता है तो गाय बछड़े जीवों का पालन पोषण होता है। कन्हैया बोले, माँ पूजा एक राजा की होनी चाहिए या परमात्मा की? पंडाल में वन में बैठे बताओ किनकी होनी चाहिए, राजा की होनी चाहिए या भगवान की? भगवान नरेंद्र यादव नगला मान। मैया जी सम्मान कर रहे हैं, चैल पैल ना करें, आराम से बैठ जाओ। कन्हैया आके बोले इंद्र कि पूजा नहीं करोगे तो क्या बारिश नहीं होगी? ये हमारे अतुल यादव जी जो हमारे पूर्व प्रधान नेम सिंह जी हैं रानीपुरा, बहुत अच्छा परिवार है बेटा, हमारा सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। अवनीश भैया बन्नी हार के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। कन्हैया बोले आज इंद्र की पूजा नहीं होगी। मैया यशोदा बोली किनकी कराओगे? कन्हैया बोले आज हम गोवर्धन महाराज की पूजा कराएंगे जो देवों के देव हैं, और तुम पूजोगे वो अपने हाथों से खाएंगे। एक रूप कन्हैया अपना, एक रूप गोवर्धन में प्रवेश हो जाएंगे। आज मैं दिखा दूंगा कि पूजा कैसे होती है। माँ इतना समय निकल गया बेहद, राजा की पूजा कुछ नहीं मिलेगा। पूजा तो परमात्मा की होनी चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवा बसता ईश्वरा, वो परमात्मा जर्रे जर्रे में कण कण में बात करने वाला है। एक ही काई को ढाई लोग कहने लगे, शून्य को लगाए गिनती आगे को बढ़ाई है, दूसरी लगाए बिंद सौ की तो समार करी, तीसरी लगाए के हजार नाम गाई है। एक ही काई से जनैया जी जान ले, शून्य तो संसार असार कहलाई है। कहत गुरु राम नाथ एक को हटाए दो तो सारा संसार शून्य शान कहलाई। एक हजार हो और एक के अक्षर को हटा दो तो क्या रहेगा भैया? आज पूजा गोवर्धन महाराज की होगी। निकलवा एक रखवा। प्रदीप कुमार और पगट्टे भैया सुजावर हार के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद।
के बोल।